G4S सिक्योरिटी गार्ड में नया नियम के साथ साथ ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है अभी के टाइम में, नया जो 2024 में सिक्योरिटी गार्ड अगर आपको G4S में करना है, ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है उसका, कितना फीस लगेगा, कितना सैलरी मिलेगा, और जो है अगर सिक्योरिटी गार्ड में आपको जॉब चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम इस पूरा वीडियो में कैप्चर करने वाले हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस, सैलरी, फीस और ट्रेनिंग प्रोसेस, ट्रेनिंग सेंटर में प्रोसेस। तो बने रहे हमारे साथ अंत तक, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि सिक्योरिटी फील्ड का इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है रंजीत कुमार और आपको हम जॉब से रिलेटिव जो इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। दोस्तों अभी के टाइम में G4S सिक्योरिटी गार्ड में सबसे ज्यादा लड़के ज्वाइनिंग करते हैं, जैसे कि मैंने पिछले महीने 800 लड़के को ज्वाइन करवाया था, इस महीने अभी तक मैं 100 लड़के को करवा दिया हूँ, लेकिन मेरा टारगेट है कम से कम 1500 से 2000 लड़के का इस साल ज्वाइनिंग करवाना 2024 में। दोस्तों G4S में लड़के ज्वाइनिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन उसमें पहले सबसे पहले ये बताते हैं सर ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, फिर उसके बाद पूछते हैं जो सैलरी कितना होने वाला। तो दोस्तों इसमें अभी नया नियम, नया अपडेट आया है ज्वाइनिंग का, लेकिन ज्वाइनिंग करने के लिए और हम दोस्तों सबसे पहले इम्पोर्टेंट मैसेज, मेरा एक ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे ऑल इंडिया में जॉब्स रिलेटिव G4S SIS जो भी सिक्योरिटी है उसमें जॉब्स रिलेटिव इन्फॉर्मेशन आते हैं, जैसे कौन से लोकेशन पे कितना इंटरव्यू है, कितना वैकेंसी है। उस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले हमारे मेम्बरशिप लेना पड़ेगा, और मेम्बरशिप लेने के लिए लेने के बाद मेरा पर्सनल नंबर आएगा, उस पर आप स्क्रीन शॉट भेजिएगा, हम उसी टाइम आपको ग्रुप में एड कर देंगे और प्रतिदिन नया जॉब्स एंड इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते दोस्तों। जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड में जॉब लेने के लिए जो है लड़के बहुत सारे आपको पता है परेशान रहता है, ऑल इंडिया से, मेरे को ऑल इंडिया से कॉल आता है, लगभग 300 से 400 कॉल आते हैं प्रतिदिन, 10, 8, 10, 12, 15, 20 इतना लड़के भी आते हैं भर्ती होने के लिए। दोस्तों अगर आपको भी चाहिए तो बल्कि नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर ज्वाइनिंग प्रोसेस की बात करें किया जाए दोस्तों, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रखता है इसमें हाइट, हाइट मतलब लंबाई, आपका लंबाई 168 सेंटीमीटर प्लस होना चाहिए, कम होगा तो होने का चांस ही नहीं है, मतलब नहीं SIS में, नहीं G4S में, और दूसरा लोकल सिक्योरिटी में तो कितनों भी रहेगा तो ले ही लेगा। ब्रांडेड जो ब्रांड लेवल का सिक्योरिटी है वो G4S SIS है, मैं भी यही सलाह दूंगा, यही जो दोनों में आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आपको हाइट 168 सेंटीमीटर प्लस होना चाहिए, इम्पोर्टेंट ये है, दसवीं मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड के लिए। और आपको अगर आप ट्रेनिंग के बात, फीस के बात करते हैं और बाकी ट्रेनिंग प्रोसेस का, तो आपको इसमें अभी 2600 रुपया लिया जा रहा है ट्रेनिंग फीस पे, और ट्रेनिंग फीस में थोड़ा बहुत बदलाव होते रहता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। 2600 के अलावा 1000 और ले सकते हैं, यानी 3500, नहीं तो 2600 के बदला 1600 रुपये, मतलब 2600 रुपये तो कम से कम लेगा, ये इस तरह का फीस है। और दोस्तों मैं बात करूँ इसके बाद मिनिमम 10वीं पास होना चाहिए, उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन तो चलो 10वीं तो नॉर्मल है ही, और बाकी हाइट आपका 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है डॉक्यूमेंट्स में, तो डॉक्यूमेंट्स की बात किया जाए तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट तो हो ही गया, पुलिस वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट रहता है, ये भी आपको करवाना है, वैसे अगर नहीं होता है गाँव में तो अपने गाँव यहाँ पर भी हो जाएगा, ऑनलाइन कहीं से भी करवा सकते हैं। और चरित्र प्रमाण पत्र जो सरपंच और अपने गाँव का जो प्रधान है उससे लिखवा करके लाना पड़ेगा, और ये हो गया, और उसके बाद बैंक पासबुक हो गया, 4 फोटो हो गया, और फीस के बारे में हम आपको बता ही दिए, तो ये इतना फीस लगेगा। और देखिए अभी पिछले महीने में ये था नियम कि जो लड़के नए हैं, फ्रेशर है, उसको 12 दिन ट्रेनिंग करवा करके 13वां दिन या 12वां दिन ही पास आउट दे करके, ज्वाइनिंग लेटर दे करके ड्यूटी पे भेज देते थे, अभी बिल्कुल नियम चेंज कर दिया गया है, फिलहाल कुछ दिन के लिए, 1-2 महीने के लिए। इसमें क्या चेंज किया है, जो फ्रेशर है उसको 3 दिन में ही, 3रा दिन ही ड्यूटी पर पास आउट करके भेज दिया जाएगा, मतलब उसको ज़्यादा दिन ट्रेनिंग पर नहीं रखेगा, रखता है। और उसमें क्या था, 2600 रुपये में आपको 12 दिन जो रखता था पहले फ्रेशर को, तो खिलाता था, पिलाता था, रहने के लिए देता था, सिस्टम रूम देता था, बेड वेड लगा रहता था, बैरक जैसे मस्त था, वीडियो भी बना रखा हूँ ट्रेनिंग सेंटर का नोएडा और गुड़गांव का, आप जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों हम तो यही बोलेंगे आप ऐसे मौका मत छोड़िए, बाकी हम सैलरी भी आगे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इसमें जो है जैसे कि आपको 12 दिन रहने खाने के लिए देता था और 13वां दिन आपको ड्यूटी दे दिया जाता था जो फ्रेशर रहते थे, और वही उसी 2600 में ही खाने पीने के लिए और रहने के लिए देता था, और जो एक्सपीरियंस वाला रहता था उसको 3 दिन में ड्यूटी पर भेज दिया जाता था, और सर्टिफिकेट वहाँ पे आपको सुबह से शाम तक जो है पढ़ाई करवाया था, करवाते थे पढ़ाई, मतलब बोले तो आपको फायर क्या है, ड्यूटी कैसे करना चाहिए, किसको किस तरह से रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये सब पढ़ाते थे। सुबह को मॉर्निंग के टाइम में वहाँ पे ड्रिल होता था, PT होता, सावधान, विश्राम, सैल्यूट किस तरह से किया जाता है, ये सब रूल नियम वहाँ पर पढ़ाया जाता था। प्लस में आपको जब कंप्लीट हो जाता था पास आउट के
दौरान आपको जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो हाँ ये इतना दिन सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेनिंग लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उससे सर्टिफिकेट बहुत काम आते हैं। ये सब आप जरूर लीजिए अगर आप जीपो रहे सिक्योरिटी गार्ड में आते हैं तो दोस्तों इस तरह से आपको जो, और फ्रेशर को 3 दिन, सॉरी जो एक्सपीरियंस वाले उसको 3 दिन का था, लेकिन अभी क्या नियम आया है, अभी आपके लिए लिमिट समय भाई, जल्दी आकर के कर लो। इसमें आपको जो फ्रेशर रहता है उसको 3 दिन, अभी जो नियम है 1 अप्रैल से 3 दिन का जो है फ्रेशर को ट्रेनिंग दिलवाते हैं। 3 दिन रहने खाने के लिए तो आपको पता ही देगा ही, 3 दिन के बाद सीधा उसको ड्यूटी दे दिया जाता है। जो एक्सपीरियंस वाले है उसको उसी दिन दे देता है पास आउट करके, आईडी कार्ड यूनिफॉर्म सब चीज़ देता है, यानी 1 दिन का उसका ट्रेनिंग होता है, 1 दिन में कंप्लीट कर दिया जाता है। और दोस्तों उसके बाद आईडी कार्ड यूनिफॉर्म ये सब तो नॉर्मल है। और दोस्तों मैं बता दूं, जैसे 2600 रुपये ये आपका ट्रेनिंग फीस हो गया, इसमें जैसे कि सर्टिफिकेट सब देते हैं। उसके बाद जो यूनिफॉर्म फ्री है वो आपको स्टार्टिंग में 2000 रुपये लेगा, क्योंकि आप भाग ना जाए, 1 साल के बाद वो फ्री हो जाता है, वो 2000 रुपये रिटर्न हो जाएगा, बहुत सारे लड़के का हुआ है रिटर्न। और फिर हर साल आपको यूनिफॉर्म जितने भी मिलेंगे, सर्दी के मौसम का जैकेट, टोपा टोपी और शूज, बैट जितने भी, तो सब फ्री रहता है, हर एक साल आपको फ्री में दिया जाएगा। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस मात्र 2600 ही रहा है। और जैसे आपको बताते हैं फ्रेशर को, एक्सपीरियंस वाले को 2 दिन, 1 दिन और 3 दिन होता है, कुछ दिन के बाद फिर ये 12 दिन हो जाएंगे और 3 दिन हो जाएंगे। तो आप लेट ना करें, सीधे आप आइए, ज्वाइनिंग कीजिए, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। और आप दोस्तों बहुत सारे लड़के परेशान रहते हैं, सर मेरे को जॉब चाहिए जॉब चाहिए, तो ज्वाइनिंग प्रोसेस ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना है अगर आपको जॉब करना है तो। नहीं तो बाकी आप दूसरे सिक्योरिटी में जाइएगा तो किसी में 10,000 फीस लेता है, किसी में 14,000, किसी में 7,000। और इसमें ये भी ब्रांडेड है, इसमें भी आपको बहुत सारा, जैसे सुपरवाइजर, CDO, कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर, CCTV ऑपरेटर, मेरे पास नोटिफिकेशन आता रहता है, तो आप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा व्हाट्सअप वाले में, ताकि आपको इजी रहे नोटिफिकेशन मिलने में। हम आपको इंटरव्यू दिलवाएंगे, आप हमें, आपको लोकेशन मिलेगा, खुद आप कॉन्टेक्ट करके चले जाइए, तो आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं इस तरह से। बाकी यहाँ पे सामने में हम बहुत सारी जानकारी जो भी रहता है हम वहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस दे देंगे। और फैसिलिटी पे बहुत सारा वीडियो बना रखा हूँ, फैसिलिटी में जाकर के देखिए तो आपको बहुत सारे समझ में आएगा। और जो भी दोस्त भाई को जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो, कमेंट में कर सकते हैं। और आपको कौन सा सिक्योरिटी के जब बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस में यही सिस्टम है, और आपको अभी जस्ट मतलब आते ही 2 से 3 दिन में आपका ड्यूटी पे भेज दिया जाएगा। सैलरी का हम बताने वाले थे आपको, सैलरी आपको इसमें 12 घंटे का जो मिलेगा वो 17,000 से 18,000, 19,000 तक मिलता है, लेकिन आपको स्टार्टिंग 17 से ही शुरू होगा, 26 दिन का 12 घंटे, 4 छुट्टी रहेगा। अगर ओवर टाइम करते हैं तो आप मिनिमम 500 रुपया भी रखते हैं 1 दिन का, तो आपको 4 दिन का अगर छुट्टी रहेगा, 4 दिन ओवर टाइम करिएगा तो 2000 हो गया, 17,000, 2000, 19,000 इन हैंड आपको ये मिल सकता है। और दोस्तों बात करते हैं 8 घंटे का, तो उसमें 13,000 से लेकर 16,000 तक रहता है। कई सारे लड़के 16,000 वाला भी वीडियो बनाया, लेकिन डायरेक्ट आपको मिलेगा ना, 13,000 से ही शुरू होगा। और 8 घंटे का 26 दिन का 4 छुट्टी में, उसमें भी आप 4 छुट्टी ड्यूटी कीजिएगा तो 2000 उधर भी जोड़ लीजिए तो आपको 15,000 तक हो जाएगा इन हैंड। PF भी 12% कटेंगे, मतलब आपको अगर 13,000 सैलरी है तो 1100-1200 PF भी कटेगा, तो PF भी डबल हो जाता है। तो ये सब नियम है, आप लेट ना करें सिक्योरिटी गार्ड में जॉब करें। हमारे पास लोकेशन में आपको बता दूं, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, और ये सब लोकेशन पर आपको हम जॉब लगा सकते हैं। तो आप लेट ना करें, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और ज्वाइनिंग प्रोसेस जान ही लीजिए। सीधा दोस्तों आ ही जाओ यार, डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर लो, जितना लेट करोगे उतना बेकार होता जाएगा। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।